तोरे नैना रसीले हैं जादू भरे। सर मैं एक छोटा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी होगी? आप अंदाजा लगाएं। मुंह पे नैनों से मारी कटारी पिया तोरे। रामपुर से हसवान घराना। बिल्कुल, मतलब जिस घराने के बारे में कहा जाता है कि मियां तानसेन का भी घराना वही घराना। हमारे घरों में बच्चा शायद बोलना बाद में सीखता है, सुर लगाना पहले सीख जाता है। आपसे मोहब्बत की जिस रूप में आपसे 100 साल पहले या 200 साल पहले या 300 साल पहले जो राग गाया जाता था, उन रागों का आज तक आते आते वो और रिफाइन हो गए। मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। सोनू निगम से दोस्ती आपकी अच्छी? सोनू भाई हमारे परिवार का हिस्सा है। अच्छा। मेरी बेगम साहिबा उनको राखी बांधती हैं। गाना गाया था सोनू भाई ने, ट्रैक पे मैंने अपनी आवाज में गाया हुआ था। मैंने कहा नहीं, मेरी तमन्ना यही है कि आप ही गाएं। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। क्या कहानी है लता मंगेशकर की? अचानक एक दिन मैं लंच पर पहुंचा। लंच पे कहाँ पहुंचे? अपने ससुर साहब के घर। अच्छा। पर तो ऐसे ही मेरे ध्यान में भी नहीं था, तो बोले यार यार तुम अच्छा आ गए, आज वो लता जी आ रही हैं। कैसी गलती शबाब कर बैठा। आपके एक दोस्त हैं, उनसे वो काफी बोलते हैं कि आप उनको ताने मारते हैं, और आपके दोस्त का नाम है अनूप जलोटा। वो गजल जिस टाइम वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं कुछ कुछ बीच में बोल रहा था अनूप भाई जरा इसको ऐसे कर लीजिए, तो मजाक करते हैं तो मुझे गाने भी दोगे कि नहीं दोगे। ये समझ कर के जिंदगी तुम। तो सच्चाई यही है कि जब हम इश्क करते हैं और दिल टूटता है तो वो सेंसिटिविटी और उजागर होती है। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आप उसको मतलब कैसे देखते हैं? हमारी संगीत जो है वो रूहानियत से जुड़ा हुआ है। वो जो एक कहावत है कि मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर। एक सुर भी लगाते हो, सुर के अंदर भी एक साधना होती है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन में सीखने का लोगों का, तो वो एक ऐसा हो चुका है कि बस सीखा चले गए और हो गया। आपको अपना मकाम खुद तय करना पड़ेगा कि मैं इसको बतौर शौक ले रहा हूँ या आगे जाके इसमें तपस्या करके मुझे उस मकाम पे पहुँचना है। तब तो रूबरू और गुरु के चरणों में बैठकर ही आपको तालीम लेनी पड़ेगी, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। रहने ना। वो एक दिन मेरे साथ एक सितार नवाज बैठे हुए थे, बड़े अच्छे जाने माने फनकार। तो मैं उसको जब पता चला कि बड़े अच्छा सितार बजाते हैं, तो बोले यार एक दिन तुमसे सितार भी सीखेंगे। मैंने सोचने पे मैंने कहा क्या फरमाया आपने, एक दिन आप इनसे सितार भी सीखेंगे। पूरा अटूट विश्वास है कि हमारा संगीत जो है वो सिर्फ सोच का नहीं है, ये इसका ताल्लुक दिल और रूह से भी है। आए जो सपने से जागे। बहुत बहुत शुक्रिया। Brought to you by Sensodent K and iTel. SLS और Paraben Gone. तो उसका करंट ऑन? What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। जादू भरे तोरे नैना रसीले हैं जादू भरे। मुँह पे नैनों से मारी कटारी पिया तोरे नैना रसीले हैं जादू भरे। मुँह पे नैनों से मारी कटारी पिया तोरे नैना।
तोरे नैना तोरे नैना रसीले हैं जादू भरे। जब जब देखूं मुखड़े को तोरे जब जब देखूं मुखड़े को तोरे जब जब देखूं मुखड़े को तोरे मनवा में हुक उठे हाय राम मनवा में हुक उठे साजनवा तोरे बोल है तीखे साजनवा तोरे बोल है तीखे कर गए काम तमाम रे तोरे नैना रसीले हैं जादू भरे। मो पे नैनो से मारी कटारी पिया तोरे नैना तोरे नैना तोरे नैना क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अब्बास खान जो गा रहे थे और उनके साथ संगतकार रुमान खान। सर मेरा नाम सिद्धांत है और ये हमारा कार्यक्रम है बैठ की। इसमें हम लोग बात करेंगे और चूंकि बातचीत किधर जाएगी और क्या होगा इस बातचीत में वो आपने टेम्परामेंट शुरुआत में ही सेट कर दिया है गैस। सर मैं एक छोटा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी होगी? आप अंदाज़ा लगाएं। मतलब मैं तो रिसर्च का एक पेज पलट लूँगा मुझे अंदाज लग जाएगा लेकिन मैं पूछ लेना चाह रहा हूँ आपसे। मैं 58 का हो गया हूँ। अरे वाह जी। सोनू निगम से दोस्ती है आपकी? अच्छी, बहुत अच्छी दोस्ती है। और क्योंकि सोनू भाई हमारे परिवार का हिस्सा है। अच्छा। मेरी बेगम साहिबा उनको राखी बांधती है। अच्छा। और मेरे ससुर साहब उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के वो शागिर्द हैं। तो बस परिवार का हिस्सा हैं, दोस्त भी हैं। और इत्तेफाक ऐसा भी रहा कि 1999 में मैं कुछ फिल्म को लिए म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहा था तो मेरे जो कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, बॉलीवुड फिल्म के लिए भी। अच्छा जी। तो उसमें उन्होंने थोड़ा बताइए उस प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सा प्रोजेक्ट? देखिए बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एमिनेंट डायरेक्टर थे शाहरुख मिर्ज़ा साहब, जो मिर्ज़ा ब्रदर्स के नाम से मशहूर थे, तीन भाई थे। तो उन्होंने काफ़ी फिल्में उन्होंने बनाई, सलामी का म्यूज़िक बहुत हिट हुआ, यारा दिलदारा, और राजेश खन्ना साहब की भी कुछ फिल्म्स की थी। तो उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था तो उस फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्शन मैंने किया था। और एक और फिल्म थी एक था दिल एक थी धड़कन, जिसमें मेरा म्यूज़िक डायरेक्शन था और एक हमारे दोस्त थे सुरेंद्र सोडी साहब, वो भी गुजर गए। तो उसके लिए मैंने जो गाने कंपोज किए थे वो सोनू भाई ने गाए थे। अच्छा जी। और अभी भी बातचीत होती है? बिल्कुल बाकायदा। अच्छा मेरी गुजारिश ये है कि गाने के शुरू का जो पार्ट है थोड़ा सा उसको वो एडिट कर दीजिएगा, बाद से पिक कीजिएगा। बस क्या हुआ है उसमें? थोड़ा सा एक्यूरेसी की कमी थी थोड़ी सी। मतलब अगर ये बातचीत भी चली जाए तो कोई दिक्कत? हाँ बातचीत तो चली ये जो कटवाने वाली बातचीत भी चली जाए तो कोई दिक्कत? जी जी। फोन आपका साइलेंस पे था? हाँ फोन फोन हाँ बोल रहा था। हाँ इसी वजह से हाँ वो हाँ स्विच ऑफ हो जाए आप स्विच ऑफ हाँ वो अच्छा। बजर बजा था ना तो उसकी वजह से। अच्छा जी जी। अब्बास साहब के बेटे सामने बैठे हुए हैं, फोन बज गया जिस वजह से सुर हल्का सा छिटक गया अपनी जगह से, इसके बारे में आगाह किया बेटे ने जी। तो मैं ये बात रिकॉर्ड पे जाने दे रहा हूँ, अभी आपसे बता दे रहा हूँ ठीक है। मैं आपको क्या कह के बुलाऊं, खान साहब कह के बुलाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। किससे आपके क्या कंफर्टेबल आप रहेंगे? खान साहब से कह के बुला सकते हैं बिल्कुल। ओके। 5 साल के जब आप थे जी
तब आपने गायकी सीखना शुरू की जी, और रामपुर सहसवान घराना, बिल्कुल, मतलब जिस घराने के बारे में कहा जाता है कि मियां तानसेन का भी घराना वही घराना था जी। क्या कहानी आपके घराने की और घराने से आपके जुड़ने की और संगीत शुरू होने की? देखिए बहुत सिद्धांत भाई, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस घराने में पैदा हुआ। बचपन से ही वालिद साहब के गाने की सदाएँ, मेरा ख्याल है जब 3 साल का 4 साल का जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ तो मेरी यादें थीं जब हम पुरानी दिल्ली में रहते थे तुर्कमान गेट पे। अच्छा, तो बिजली बिजली का उतना ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम उस ज़माने में नहीं होता था, तो बड़ा घर था लेकिन एक कोठरी थी, उस कोठरी में वालिद साहब रियाज करते थे। और कितने भाई बहन थे आप लोग? हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा, मैं सबसे बड़ा। तो जब वालिद साहब रियाज करके बाहर निकलते थे तो पूरे पसीने में नहाए हुए होते थे और मैं ये देखता था, और 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक सुबह रियाज होता था। तो उस माहौल से ही हमें होश आता है। तो मैं अमूमन ये बात हमेशा कहता हूँ और आज भी दोहराते हुए मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे घरों में बच्चा शायद बोलना बाद में सीखता है, सुर लगाना पहले सीख जाता है। अच्छा, तो वो यही हुआ हमारे साथ भी कि बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें हैं। जब वालदा ने 2-2.5 साल की उम्र में मुझे नर्सरी स्कूल में एडमिशन करवाया पुरानी दिल्ली में, तो बड़ा रोता था मैं, तो वो टीचर्स गोद में बिठालती थी मुझे। तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस ज़माने में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी मेरे हुजूर। अच्छा, मेरे बचपन में, तो बचपन में वो एक रफ़ी साहब का गाना था, रुख से ज़रा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, तो वो मैं टीचर की गोद में बैठ कर सुनाता था उनको। तो आप टीचर की गोद में जलवा एक बार दिखा दो मेरे हुजूर गाते थे, बताएं बात। क्योंकि रोता था तो वो मुझसे पूछती थी कुछ गाना वाना आता है, क्योंकि मालूम था कि म्यूज़िकल फैमिली से है, तो मैं उनको ये गाना सुनाता था। तो मेरी ज़बान भी साफ़ नहीं थी उस वक्त, और हमारी फूफी होती थी वो बहुत मजाक उड़ाती थी जब ये गाना मैं गाता था। तो इस तरह के माहौल में एफर्टलेसली ही संगीत ज़िंदगी में आ गया। घराने के जब अगर मैं बात करूं तो मेरे वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम सादिक खान साहब पद्मश्री थे, उनको सुनते हुए हम बड़े, और हर दौर में उनकी तालीम हर कदम पर। लेकिन इत्तेफाकन ये हुआ कि जब मैं छोटा था तब मेरे वालिद साहब के पीक का दौर था, वो मसरूफ़ रहते थे, तो इनिशियल तालीम मेरे दादा से मेरी शुरू हुई। अच्छा, उस्ताद ग़ुलाम जाफ़र ख़ान साहब। अच्छा। जो बहुत मशहूर सारंगी नवाज़ थे, और हमारे घराने में कुछ उस्ताद, मेरे दादा, उनके बड़े भाई, सब लोग सारंगी बजाते थे। अच्छा, तो और सारंगी बहुत ही मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। तो इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे दादा के बड़े भाई उस्ताद ग़ुलाम साबिर ख़ान साहब, अच्छा, बेगम अख्तर साहिबा के साथ सारंगी बजाते थे। अच्छा। हाँ, और बेगम अख्तर साहिबा का हमारे बचपन में घर में उसी पुराने दिल्ली के घर में आना जाना था, तो तुर्कमान गेट वाला, तुर्कमान गेट वाले वो घर, ये समझ लीजिए मरकज़ था। बचपन से बड़े बड़े उस्तादों का आना जाना, बेगम अख्तर साहिबा का आना जाना, उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब पटियाला घराने के बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के बेटे, क्योंकि जब तक मैं होश आया था तब तक तो ख़ान साहब तो गुजर चुके थे, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, तो उनका आना जाना देखा। मेरे नाना भारत के पहले पद्म भूषण अवार्डी थे, मुश्ताक हुसैन खान साहब। अच्छा। हाँ, ख्याल गायकी में सबसे पहला पद्म भूषण उनको मिला था, वो भी उसी घर में रहते थे, तो वो बड़ा मरकज़ था समझ लीजिए संगीत का। तो उस माहौल में बस ये खुशकिस्मती रही कि हमारी परवरिश हुई। बचपन में गाने वाने कहाँ सुनते थे आप लोग, रेडियो वगैरह पे? बिल्कुल, वो जो बचपन में एक दौर होता है कि जब संगीत समझ में ज़्यादा कम आता है, सुनाई ज़्यादा देता है, तो उस टाइम, उस वक्त मेरा क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ नहीं था।
हाँ, क्योंकि आप सुनते हैं तो यूजुअली आप फिल्मी गाने ही सुना सुनते हैं रेडियो वगैरह पे। गाने ही सुनता था रेडियो पर, और बल्कि वालिद साहब रात का जब संगीत का प्रोग्राम होता था क्लासिकल म्यूजिक का, तो वालिद साहब वो लगाना चाहते थे, तो जैसे ही वालिद साहब की आँख बचती थी हम फौरन स्टेशन बदल के विविध भारती करना सुनना शुरू कर देते थे। तो हाँ, मतलब वही टेस्ट का डिफरेंस था। बिल्कुल, उस वक्त टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था। और लेकिन कॉलेज के दौर तक पहुँचते पहुँचते शास्त्रीय संगीत के लिए, इनफैक्ट कॉलेज भी देर से, बल्कि जब मैं 9th या 10th में था तब ड्रास्टिक चेंज संगीत के टेस्ट में आया। हालांकि फिल्मी गानों के लिए वही शौक रहा, क्योंकि एक अलग सा माहौल ये था हमारे घर में, जो जिसका क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को देना चाहता हूँ। उनकी बातों की सदाएं आज तक मेरे कानों में रहती हैं। अब वो एक बात, तो जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया तो वो एक बात कहते थे कि बेटा कोई भी संगीत हो उसका अपना मज़ा है, और जब हम संगीत सुने, क्योंकि हम तो म्यूजिशंस हैं, तो हम इस नज़रिए से ना सुने कि ये चीज़ इसमें ख़राब क्या है, बल्कि इस नज़रिए से सुने कि इसमें अच्छा क्या है, तभी एक फनकार के तौर पर आपकी ग्रोथ होती है। वो हमेशा, जब भी मैं उनके साथ बचपन में 7 साल का था तो पंडित भीमसेन जोशी का कंसर्ट सुनने के लिए मावलंकर हॉल में गए, तो वेरी फ्रेंकली मेरे लिए इतने बड़े दिग्गज को समझ पाना उस वक्त तो मुमकिन नहीं था। तो हम बातचीत में जब कर रहे थे तो चाचा भी हमारे 2-3 साल हमसे बड़े थे, तो वो भी कुछ मजाक वजाक कर रहे थे, तो वालिद साहब ने डांटा कि बेटा अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें, जब बड़े हो जाओगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो वही जब कॉलेज के दौर में पहुंचा 17-18 साल की उम्र में, तब वो सीरियसनेस ज़्यादा पैदा हुई, वरना एक अल्हड़पन था। फिल्मी गाने बहुत पसंद करते थे हम, रफ़ी साहब के दीवाने थे, मुकेश साहब के, किशोर कुमार के, जो अमूमन हर बच्चों में होता था, और रियाज की तरफ उतना रुझान नहीं था वेरी फ्रेंकली, क्योंकि एक ये भी था कि पढ़ाई भी चल रही थी। पढ़ाई क्या की सर आपने? अब सच्ची अगर आपको कहूँ तो वालिद साहब तो ये चाहते थे कि मैं संगीत में आऊँ ही नहीं। अच्छा, ये राज आज आप के जरिए पहली मर्तबा खोल रहा हूँ। वो चाहते नहीं थे कि आप संगीत में? वो ये चाहते थे कि म्यूजिक को हम साइड प्रोफेशन में रखें, पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करें। तो दिल्ली से बैचलर्स की डिग्री करी डीएवी कॉलेज से, और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया, जॉब ऑफर्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन रूह हमारी उस टाइम तक संगीत में थी। तो वालिद साहब के कहने पर ज्वाइन तो कर लिया था एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, लेकिन सच्ची बात यह है कि पास भी अच्छे नंबरों से हो गया था, लेकिन अगर आप आज मुझसे ABCD भी पूछें एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का तो मैं बता नहीं सकूंगा, क्योंकि रूह तो सिर्फ संगीत में ही थी। और कॉलेज के दौर आते आते फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो एक बहुत खूबसूरत दौर था, पता नहीं अब वो ज़माना उस तरह का, जब गज़ल अपने पीक पर थी। और किस समय की बात है लगभग? ये 1982 में मैंने एडमिशन लिया था, तो मैं 82 से 85 के बीच का वक्फा होगा, 82 और 85 से के बीच का वक्त था। और ये वो वक्त था कि हिंदुस्तान में सबसे पहले 1977 में मेहदीहसन साहब तशरीफ लाए थे। मेहदीहसन? हाँ। और मैं छोटा सा था, 10-11 साल का, तो खान साहब की दोस्ती थी हमारे वालिद साहब से, तो हमारे वालिद साहब हमें लेके गए उनकी महफिल में। तो जब खान साहब मेहदीहसन साहब को सुना बचपन में 10-11 साल की उम्र में, तो गज़ल की तरफ एक ऐसा खिंचाव पैदा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करूँगा, क्योंकि बेगम अख्तर साहिबा का हमारे घर पर आना जाना था, वो तो बताया आपने, और मेरे दादा भी बहुत सुरी लगाते थे, बतौर सारंगी तो वो थे, लेकिन गायक भी बहुत अच्छे थे, और इनिशियल तालीम मेरी उन्हीं से ही शुरू हुई, तो वो भी गज़ल गाते थे, तो गज़ल के लिए वो टेस्ट डेवलप हो चुका था उसी दौर से, जब दादा साहब को सुनता था, बेगम अख्तर साहिबा की कंसर्ट में भी जाता था,
और बचपन में ही वो एक्सपोजर मिल चुका था, लेकिन फिर जब खासा मेहदी हसन साहब आए तो फिर वो गज़ल का वो पीक दौर था। तो जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वो मेरे ज़माने में जब मैं कॉलेज में था तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त होती थी रेखा भारद्वाज साहिबा। अच्छा। हाँ, हम लोग एक ही, बल्कि रेखा के घर पर तो बचपन में आना जाना था हमारा, क्योंकि उनकी बड़ी बहन थी उषा जी, जो न्यूज़ रीडर थी एक ज़माने में दूरदर्शन में, तो वो हमारे चचा उस्ताद गुलाम सिराज साहब से सीखती थी। मैं इस इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपसे कई फ़ोन नंबर लेने वाला हूँ, ठीक है। मेरी बहुत अजीज दोस्त तो, और ऐसा होता था मेरा और रेखा का, जब हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे तो बहुत टफ कंपटीशन होता था, तो कभी रेखा का फर्स्ट प्राइज़ आ रहा है, कभी मेरा फर्स्ट प्राइज़ आ रहा है। अच्छा। और उसी टाइम पे विशाल भाई भी, विशाल भारद्वाज साहब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। हाँ, उन मतलब उनसे भी रेखा और विशाल की दोस्ती उसमें हो चुकी थी, उस वक्त हो चुकी थी। अच्छा। तो वो दौर था जब गज़ल अपने पीक पर थी, तो उस टाइम फिर गज़ल के लिए बहुत दीवानगी तारी थी मुझ पर। तो रेखा जी रियाज वगैरह करती थी, क्या बातचीत होती थी इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि 1985 में मेरा पहला कैसेट निकला था। अच्छा, क्या शीर्षक था कैसेट का? मुझे याद नहीं है, वो शीर्षक तो कुछ नहीं था, सिर्फ वो 1985 जो था वो इंटरनेशनल यूथ ईयर था। अच्छा। तो मेरा और रेखा एक कंपनी थी शिवानी ऑडियो विजुअल करके, उन लोगों ने मेरा और रेखा का एक साथ कैसेट निकाला था। अच्छा जी। तो तब से वो ताल्लुकात थे हमारे, आज भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मेरा रुझान धीरे 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 गज़ल की तरफ तो था ही, फिर क्लासिकल की तरफ ज़्यादा होता चला गया। तो आप अभी गज़ल गायकी में को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मतलब मुझे नहीं पता इस सवाल को पूछने का सही तरीका क्या होगा, इसलिए मैं एक कच्चे तरीके से ही सामने रख दे रहा हूँ। आप गज़ल गायकी को ज़्यादा पसंद करते हैं या सेमी क्लासिकल, जिसको कहते हैं हम दादरा या ठुमरी, या ख्याल गायकी को? देखिए, अगर सच्ची मैं आपको कहूँ तो ये मेरे लिए अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल सवाल है कि मैं किस गायकी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन ख्याल गायकी क्योंकि मेरी परम्परा है और वो तो कोर है सब कुछ। हाँ, वो मेरा कोर है, तो आज भी मैं उस चीज़ से ज़्यादा अपने आप को जुड़ा महसूस करता हूँ, क्योंकि घराने का मेरे ऊपर वो घराने की जिम्मेदारी भी है और वो लेगेसी कायम रहे, वो हमेशा मैं उसके लिए कोशिश करता रहा, और आपकी दुआ से वो लेगेसी अभी मेरे बेटे सामने बैठे हैं ग़ुलाम हसन मियाँ और ग़ुलाम हैदर मियाँ, ये दोनों घराने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रियाज करते हैं, खूब रियाज करते हैं माशाल्लाह, और अल्लाह का करम है कि ग़ुलाम हसन तो अभी बातें सुनते हैं आपकी। बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। कैमरे वाला जवाब है, ससल वाला जवाब है? बिल्कुल सही सही, बिल्कुल बातें सुनते हैं, संगीत को लेके बातें सुनते हैं, बाकी और ना सुने कम से वो एक अलग बात है। ठीक है। हाँ, संगीत को लेके कभी कभी बहकते हैं तो फिर मैं उनको सही लाइन पे ले आता हूँ। जी, हम किस्सों पे आएंगे। मैं आपकी, मुझे नहीं पता YouTube के ज़माने में और YouTube के स्ट्राइक्स के ज़माने में और कॉपीराइट क्लेम के ज़माने में हम कितना सुन सकते हैं दीपेंद्र और यहाँ पे, लेकिन हम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दरअसल एक YouTube जो चीज़ है ना, जहाँ पे ये वीडियो लोग देख रहे हैं इस समय, उसके अंदर एक रोबोट बैठा हुआ है जी। वो कोई भी वीडियो, कोई भी गाना कभी पहले किसी रिकॉर्ड में किसी कॉपीराइट कंपनी के पास है तो उस वीडियो को फ्लैग कर देता है YouTube। मैं तो मैं इन सारे रिस्क से साथ भी लेकिन आपसे गाने सुनूंगा। मैं एक शीर्षक मैंने मोबाइल में लिख रखा था दो गानों का जो मैं सुन रहा था। जी हाँ। दो गज़लें आपकी हैं, एक है कि मेरे कत्ल से पहले तुमको सोचना होगा, और दूसरा है आह को चाहिए एक उम्र। जी। दो मतलब कई सारी सुने, लेकिन ये दोनों मतलब ऐसी है कि बैठ गई। जी जी। और एक जश्न अदब में आप सुना रहे हैं मेरे कत्ल के पहले तुझको सोचना जी, होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, डी है ये, है ना? चलो डी में गा लूँ, हालांकि थोड़ा सा वो नीचा सुर हो जाएगा। डी शार्प में आ जाएगा?
हाँ कोशिश कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए ताकि। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये सब भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मिलाया जाता है तो हमारे यहाँ बनारस में, क्योंकि मेरा भी बनारस घराने से थोड़ा बहुत जुड़ाव रहा है ना जी, तो बनारस की तो जनता एक अलग किस्म की है। मैं दो जगह के संगीत प्रेमियों को जानता हूँ जो एकदम अलग किस्म की बातें करते हैं, एक बनारस और एक बंगाल के जी। और आप सब जगह के संगीत प्रेमियों को संगीत सुना सकते हैं, मुझे लगता है इन दो इलाकों के संगीत प्रेमियों को संगीत सुनाना सबसे कठिन काम है, बंगाल और बनारस। तो जैसे तबला मिलाना होता है, तो मुझे याद है कि बनारस के एक तबला वादक हैं अभी भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो तबला मिला रहे थे शुरुआत में। तो पब्लिक ने पूछा कि किसी ने पब्लिक से बोला, पब्लिक में से किसी की आवाज़ उनको सुनाई दी कि पता नहीं कितना देर चलेगा, होता है ना 10-15 मिनट आप तबला सुनाते हैं, शुरू से साधते हैं। तो उन्होंने कहा कि माइक, जो तबले पर माइक लगा था उस पर झुक के कहा कि हमार नखड़ा हो थोड़ा लंबा चली, मतलब ये मेरा नखड़ा है थोड़ा देर तक चलेगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनको, उन्होंने भी धीरे धीरे साधने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि वो दर्शक फिर उठा, बोला कि आपसे ज़्यादा नखड़ा कर सकते हैं हम। तो ये सब होता है। नहीं नहीं, मेरा तजुर्बा संकट मोचन में जो रहा, कमाल, संकट मोचन संगीत समारोह में कमाल का, ऐसी ऑडियंस तो बहुत कम देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। हर तान पे, हर फेस पर उनका जो रिस्पॉन्स था, और संगीत समझने वाले बैठे रहते हैं वहाँ। और रात को मेरा ख्याल है 2:30 बजे मेरा नंबर आया था, 2:30 बजे रात को नंबर आया था। वो शाम को 6-7 बजे शुरू ही होता है, लगभग 8 बजे के आसपास, और भोर में 5-6 बजे तक चलता है। और क्या क्या वहाँ का ऑरा है, बस ऐसा लगता है कि कमाल। खान साहब जिस संगीत समारोह की बात कर रहे हैं, वो बनारस में एक संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पे हर साल एक जलसा होता है जिसको कहते हैं संकट मोचन संगीत समारोह। वो मार्च अप्रैल के महीने में 4-5-6 दिनों के लिए होने लगा है, पहले 2 दिनों के लिए, पहले 1 दिन के लिए होता था, फिर 2-3-4-5, अब 6 दिनों के लिए होता है। और वहाँ पे देश और विदेश से बहुत सारे कलाकार हर साल आते हैं परफॉर्म करने, और कई कई बार कलाकारों के लिए और वहाँ पे सुन रहे लोगों के लिए ये सौभाग्य का अवसर होता है कि उन्हें सुनने और सुनाने का मौका मिला है। अगर आप बनारस में कभी इन तारीखों के आसपास आएँ जाएँ, तो संकट मोचन संगीत समारोह में अगर पैर रखने की जगह मिल जाए तो आपको भी खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। सर प्लीज। कैसी गलती शबाब कर बैठा, हाँ कैसी गलती शबाब कर बैठा, दिल मेरा इंतखाब कर बैठा, ये समझ कर के जिंदगी तुम हो, ये समझ कर के जिंदगी तुम हो, जिंदगानी खराब कर बैठा। वाह। कत्ल से पहले, मेरे कत्ल से पहले
तुझको सोचना मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा, मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। मैं तो जान दे दूंगा, मैं तो जान दे दूंगा, मेरे बाद क्या होगा। मैं तो जान दे दूंगा, मेरे बाद क्या होगा। मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। हमने जान कर इतना आपसे मोहब्बत की, सिद्धांत भाई आपकी नजर है खास तौर पर ये ओके। हमने जान कर इतना आपसे मोहब्बत की, हमने जान कर इतना आपसे मोहब्बत की, जान ही तो जाएगी, जान ही तो जाएगी, इससे बढ़ के क्या होगा। जान ही तो जाएगी, इससे बढ़ के क्या होगा। मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा, मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। मैं तो जान दे दूंगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाह रहा था कि इसके बाद आपको चाहिए कुमरा सर होने तक पे बात आए, लेकिन चूंकि मैं ये भी देख रहा था कि वो एक अलग राग में है, पूरे धनाश्रय में एकदम वो एकदम ही अलग चेंज हो जाएगा तो उधर जाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा सवाल क्या पूछूं। ठीक है, फ्रेंकली बता रहा हूँ आपसे। तो पूरिया धनाश्री की आप बात कर रहे हैं, तो फिर मैं पूरिया धनाश्री आपको एक पक्की कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ ख्याल की, जो आपको मन करे। हाँ, क्योंकि देखिए वो मेरी, मेरे घराने की, वो मेरी घर की चीज है। हाँ, वो पहचान है आपकी। प्लीज प्लीज जी, तो चाहेंगे मैं जरा तानपुरा लगा लूं। हाँ बेटा, फोन देना। मैं तो ये तो मैं तो इस लालच में बात कर रहा था आपसे सर कि पूरिया धनाश्री तक जाते जाते अगर धीमे कुछ कुछ एक और रागों से होते तक जाया जाए ना। हाँ तो कोई बात नहीं, तो आप मुझे बताएं क्या सुनेंगे आप। ख्याली सुनेंगे अभी या कुछ और गजल सुनेंगे? मेरे न्यूज़रूम के मुरारी हैं ये। हाँ, और सोम पीछे बैठे हैं जी। ये लोग जो हैं थोड़े ऐसे लोग हैं जो फरमाइश बहुत ज़्यादा करेंगे बाद में, तो इसलिए मैं इनको पहले ही फ्लैग कर दे रहा हूँ। तो मुरारी क्या सुनना चाहेंगे आप, ख्याल सुनेंगे या गजल सुनेंगे? गजल सुनेंगे या दादरा सुनेंगे? गजल पहले बता दीजिए हम क्या सुन रहे हैं। मेरे पसंदीदा शायर हैं, और अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल सही होगा कि उनके कलाम ने मुझे एक अलग सी पहचान दी। सिद्धांत भाई, कौन? सदाम बालवी साहब। अच्छा, और वैसे तो पेशे से वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन ऐसे अजीम शायर हैं कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और ये जो गज़ल आपको मैं सुना रहा हूँ ये मेरे दिल के बेहद करीब है, खमाज में है। अच्छा, और एक और इस गज़ल को लेकर बड़ी मुझे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं कि जब मैं ये गज़ल कंपोज कर रहा था तो मेरे वालिद साहब अब तो गुजर गए 2016 में। अच्छा, तो जिस टाइम कंपोज कर रहा था तो वालिद साहब बहुत खामोशी से क्रिटिकली सुनते थे मुझे, तो बोले यार ये कंपोजिशन सीधा दिल पे लग रही है इसी ये, क्योंकि उनका खमाज हमारे घराने का बहुत फेवरेट राग है। खमाज पूरे घराने में ज़्यादा पसंद किया था। बहुत बहुत सारी बातें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ खमाज की बात अगर निकली है तो। हाँ प्लीज़ गो अहेड सर। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब, देखिए हर घराने के कुछ अपने अपने फेवरेट राग होते हैं। शास्त्रों में
रागों का जिक्र सैकड़ों साल पहले हो चुका है, लेकिन जब उनको गाया बजाया गया, उस जब शुरू हुआ और आज तक आते आते रागों की एक जर्नी होती है। जिस वक्त वो क्रिएट किए गए राग, उस टाइम जैसे वो रचते हैं ना धीरे धीरे, उसी तरह से रागों के ऊपर वो हर राग को, ऐसा नहीं हुआ कि जिस रूप में अब से 100 साल पहले या 200 साल पहले या 300 साल पहले जो राग गाया जाता था, उन रागों का आज तक आते आते वो और रिफाइन हो गए हैं। परिष्कृत होना जिसको कहा जाता है ना, वो तरश तरश के। और तो कुछ राग हर घराने के बड़े फेवरेट होते हैं। और देखिए, जिस घराने से मेरा ताल्लुक है, रामपुर सहसवान घराना, दो जगहों से मिलकर बना है। माफी चाहूंगा, वो गजल से खमाज की तरफ आ गया मैं, लेकिन मैं ये बातें आपसे दिल से शेयर, क्योंकि बड़ा मैं जज्बाती हूं कुछ चीजों को लेकर। खमाज क्योंकि हमारे घराने का बहुत फेवरेट राग, और खास तौर पर उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। आप रामपुर सहसवान घराने के बनने की कहानी बता रहे थे, तो रामपुर सहसवान की मैं बात कर रहा था। रामपुर मरकज रहा कलाओं का, और कहावत यह है कि जब दिल्ली लुटा तो लखनऊ बसा, और जब लखनऊ लुटा तो रामपुर बसा। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में है कि वो फनकार जिनको मुगल शासकों ने, मुगल बादशाहों ने अपने दरबारों में रखा हुआ था, तो जैसे जैसे मुगल सल्तनत का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो बहादुर शाह जफर के आते आते तो वजीफे वगैरह सब बंद हो गए थे, अंग्रेजों ने सब बंद कर दिए थे, तो कलाकारों के पास भी पैसे की कमी हो गई। तो उस वक्त तक अवध जो था उसको कब्जा नहीं किया था बहुत ज्यादा उन्होंने, अंग्रेजों ने। तो सारे जो फनकार थे वो भागकर अवध गए, और अवध के नवाब वाजिद अली शाह साहब वो खुद एक बहुत बड़े फनकार थे। हाँ हाँ, बाबुल मोरा नैहर छोटो जाए, जब उनको निकाला गया तो उन्होंने लिखा ही था पालकी में। तो सारे फनकार वहां गए, और फिर जब उनकी भी रियासत गई तो नवाब ऑफ रामपुर, यहां तक कि मिर्जा गालिब भी जब उनका वजीफे वगैरह बंद हो गए तो रामपुर में ही जाके उनको पनाह मिली। तो मेरा यूं कहने का मतलब है कि कुछ रागों पर रामपुर में रहकर रिसर्च हुई। हमारे नाना के दौर में उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, रामपुर सहसवान घराने की जब बात आती है तो हमारे घराने के जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, और उन्हीं के शागिर्द मेरे नाना उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। तो खमाज हुआ, बिहाग हुआ, छाया नट हुआ, रामपुर सहसवान घराना इन कुछ रागों की वजह से ज़्यादा पहचाना जाता है। यहाँ तक कि छाया नट की एक बंदिश है जो अगर वो नहीं गाई तो लोग कहते हैं कि वो छाया नट हुआ ही नहीं, इतना मशहूर बंदिश है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, हाँ, तो अभी मैं खमाज का जिक्र करता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने ये कंपोजिशन सुनी तो उनको बहुत पसंद आई, क्योंकि खमाज उनके बहुत फेवरेट था। तो आपको ये गजल की ये कंपोजिशन सुना। जरूर जरूर, हम सेट हैं।
अब कहाँ दोस्त मिले साथ निभाने वाले, अब कहाँ दोस्त मिले साथ निभाने वाले, सबने सीखे हैं अब आदाब जमाने वाले, सबने सीखे हैं अब आदाब जमाने वाले, अब कहाँ दोस्त मिले साथ निभाने वाले, अब कहाँ दोस्त। शेर और फरमाइए। दिल जलाओ या दिए आँखों के दरवाजे पर, दिल जलाओ या दिए आँखों के दरवाजे पर, दिल जलाओ जलाओ जलाओ, दिल जलाओ या दिए आँखों के दरवाजे पर, वक्त से पहले तो आते नहीं आने वाले, वक्त से पहले तो आते नहीं आने वाले, सबने सीखे हैं अब आदाब जमाने वाले, अब कहाँ दोस्त। ये शेर सुनिए प्लीज, हजारों शेर में से एक है। वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, दर्द कुछ होते हैं, दर्द कुछ होते हैं ताउम्र रुलाने वाले, दर्द कुछ होते हैं ताउम्र रुलाने वाले, सबने सीखे हैं अब आदाब जमाने वाले, अब कहाँ दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कमाल संगतकार है रुमान भाई, सच में। रुमान के बारे में बताना चाहता हूँ, अजराड़ा घराने से इनका ताल्लुक है। अच्छा। हाँ, और इनके दादा जान उस्ताद हशमत खान साहब। अच्छा। और इनके मामा साहब उस्ताद शफात खान साहब दिग्गज फनकार, इनके चाचा जान उस्ताद अकरम खान साहब और इनके वालिद भी बहुत अच्छे फनकार हैं, तो बहुत बड़ा घराना है अजराड़ा घराना से। ये हल्का सा लाइट में परिवर्तन दिखा होगा, लाइट चली गई है इस वजह से थोड़ा परिवर्तन दिख रहा होगा, बातचीत चलती रहेगी जी। ये कब लिखा था सर आपने?
मैंने लिखा नहीं, मैंने बताया कि मतलब कंपोज कब किया था? कंपोज मैंने 2008 में किया था ये। अच्छा जी। और पद्मश्री आपको 5 में मिला था ना, 2005 में? नहीं, मुझे पद्मश्री अभी तक नहीं मिला है। पद्मश्री मेरे वालिद साहब को। अच्छा, वालिद साहब को मिला था। उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब को 2005 में। ओके। और सोनू निगम से दोस्ती वाली कहानी, वो शुरुआत में छूट गई थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। सोनू निगम साहब से दोस्ती जो हुई मेरी, वो 1999 में हुई। मैं बंबई गया और गया तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए ही था कि मतलब गिग्स आते जाएंगे, काम करेंगे, जो तरीका होता है जैसे जाते हैं लोग। देखिए, वो एक हर फनकार के दिल में कहीं ना कहीं एक आग दबी होती है कि भाई फिल्मों में जाएंगे, फिल्मों में जाएंगे। तो हुआ ये कि मैं काफ़ी अरसे तक हिंदुस्तान के बाहर भी रहा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और कंसर्ट्स के सिलसिले में, और वहाँ पर लोगों को सिखाता भी था। तो उसके बाद जब मैं बम्बई वापस आया, क्योंकि मेरी शादी बम्बई में हुई थी, मेरे ससुर साहब उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब बॉम्बे ही तशरीफ़ रखते थे, तो मैंने अपने आप को दिल में सोचा कि एक दो साल ज़रा देखते हैं जाकर। तो वो इत्तेफाकन जब मेरी पहली ही सिटिंग हुई, तो वो शाहरुख मिर्ज़ा साहब थे, वो तो बताया मिर्ज़ा ब्रदर्स वाले, तो उन्होंने जब मैं उनको गाना सुनाने के लिए गया, तो बोले भाई आप कंपोज भी करते हैं कुछ? तो मैंने एक दो कंपोजिशन सुना ली। बोले यार ये तो टैलेंट मैंने देखा नहीं कि एक सिंगर इतनी अच्छी फिल्मी स्टाइल की कंपोजिशन भी करता हो। तो बोले मैं आपको पहला ब्रेक जो दूंगा वो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर दूंगा। ओके। तो इस तरह से पहला मेरा ब्रेक हुआ 1999 में। सोनू निगम तब तक हमारे ससुर साहब के शागिर्द हो चुके थे, गायबाना तौर पर हम लोग जानते थे, लेकिन रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी। तो सोनू निगम से जो मेरी मुलाकात पहली हुई, वो उस फिल्म के गाने से ही शुरुआत हुई कि जब स्टूडियो में वो आए तो आपके कंपोजिशन पे उन्होंने गाया उन्होंने, और वो भी बड़े मज़े का किस्सा है कि बड़ा हाई कंपोजिशन, हाई स्केल का गाना था वो। तो बोले जैसे कौन सा? मैं थोड़ा बफर लेते हुए, 10 सेकंड का बफर लेते हुए हमारे साथ ही आलिश के लिए। तुमसे मिली है ये बेखुदी, जो तुमसे मिली है ओ जाने जाना, मैंने न जाना, तुम ही कहो का गाना था। तो 3 सप्ताह में फैला हुआ गाना है। वो भी एक इत्तेफाक की बात थी कि मैं शौक था मुझे कंपोज करने का, और मेरे जहन में एक एंटीसिपेशन आ गया था उस वक्त कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, भारतीय फिल्म संगीत भी बदलेगा। ये मुझे मेरा मुझे विजन मुझे पता चल गया था, और मुझे लगता था कि अब धीरे 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 जो कंपोजिशन का जो ट्रेडिशनल स्टाइल था, जब बहुत ही सुरीले ठहरे ठहरे गाने बनते थे, कि अब धीरे धीरे पॉप का रंग भी आएगा। तो उसी को देख के ये मैंने कंपोज किया था। तो वो गाना गाया था सोनू भाई ने, और पहले तो वो कह रहे थे कि अब्बास भाई आपने इतना ऊंचा स्केल बना दिया, ये तो शंकर महादेवन के लिए सूट करेगा। मैंने कहा नहीं, आप ही गाएंगे। फिर वो तब भी राजी नहीं थे, तो
ट्रैक पे मैंने अपनी आवाज में गाया हुआ था, तो जो डमी ट्रैक बनता है ना, सिंगर को फॉलो करेंगे ना। तो बोले अरे ये किसने गाया, सोनू भाई पूछते हैं। मैंने कहा ये मैंने गाया, तो उनकी मोहब्बत थी, बोले अब्बास भाई ये आपने, आप ही रख लीजिए, ये आप ही कर एडिटिंग रख ली। मैंने कहा नहीं, मेरी तमन्ना यही है कि आप ही गाएं। तो फिर उन्होंने कितना खूबसूरत गाया वो गाना कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपके ससुर जी लता मंगेशकर को और लता मंगेशकर समेत कई सारे म्यूजिशियंस को और गायक को, गायकों को थोड़ी मोड़ी तालीम दे चुके हैं, सबको, सबके हिस्से कुछ न कुछ आपके ससुर जी के हाथ से आई हुई शिक्षा उनके हिस्से आई है जी। क्या कहानी है लता मंगेशकर की? देखिए वो तो मेरी शादी नई नई हुई थी उस वक्त, और अचानक एक दिन मैं लंच पर पहुंचा, तो ससुर, लंच पे कहाँ पहुंचे? अपने ससुर साहब के घर पर। अच्छा, मैं बंबई शिफ्ट हो चुका था, ससुराल गए थे अपने लंच पे। हाँ, तो ऐसे ही मेरे ध्यान में भी नहीं था, तो बोले अरे यार तुम अच्छा आ गए, आज वो लता जी आ रही हैं। मैंने कहा वाह, तो बस वो इत्तेफाक था और खुशनसीबी थी कि एक ही टेबल पर लता जी के साथ खाना खाना। तो उम्र मेरी बड़ी छोटी थी उस वक्त, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल एक ऐसा था कि सपने जैसी बात थी। तो वो उस दिन पहली मर्तबा आई थी जब हमारे ससुर साहब से बात करने आई थी, और मैं उस गुफ्तगू में मौजूद था कि खान साहब मुझे कुछ रियाज के तरीक़े बताइए, क्योंकि उस टाइम कानों को हाथ लगा कर मैं कहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उम्र होती चली जब जाती है तो कुछ कुछ टेक्निकलिटीज़ में फंस जाता है। बिल्कुल, तो वो कुछ चीज़ें सीखने के लिए हमारे ससुर साहब के पास तशरीफ़ लाई थी, और हमारे ससुर साहब उनको रियाज़ करवाते थे। कितने दिनों तक चला ये? अब ये मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि कितने दिनों तक चला, क्योंकि मैं उस घर में तो उस वक्त रहता नहीं था, लेकिन ये बात है कि वो काफ़ी दिन आती जाती थी। इनफैक्ट आशा जी ने भी काफ़ी अरसा सीखा खान साहब से, और मन्ना डे जी ने भी सीखा, हरी भाई तो हैं हमारे घर के सदस्य, जैसे सोनू भाई हैं, हरी यानी हरिहरन, हरिहरन भाई भी, सोनू निगम भाई भी, शान, तो ये सब लोग घर पे, और सब हमारे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं। हरी भाई तो बड़े भाई हैं। तो आपके एक दोस्त हैं, उनसे वो काफ़ी बोलते हैं कि आप उनको ताने मारते हैं, और आपके दोस्त का नाम है अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा से बातचीत हुई और वो बता रहे थे बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन एक बार उनकी लिखी हुई गज़ल गा रहे थे तो कुछ भी गड़बड़ी होने पर मुझे अब्बास भाई ताने मार रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि यार ऐसे मत करो, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा ऐसे। नहीं नहीं, अनूप भाई का तो बहुत प्यार है, बहुत प्यार। क्या हुआ था, किस बात पे आपने उनको चढ़ा दिया था? नहीं नहीं, हुआ ये था कि वो तो उन्होंने उनका मजाक करने की आदत है, वो मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि अनूप भाई को मैं कुछ ताने वाने दे सकूं। वो ये था कि एक तो इंटरव्यू हुआ था साथ में, तो मेरा और अनूप भाई का साथ में, तो वो उनकी बड़ी खूबसूरत गज़ल है तो साथ में गा रहे थे, तो उसमें अनूप भाई ने भी सरगम कह रहे थे, तो मैंने आकार की ताने लाल दी, तो वो तानों के बारे में वो या तो जिक्र कर रहे हैं, और फिर एक मैंने, हाँ ये बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक मेरा बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट जो अभी शुरू हो गया और अनूप भाई से ही शुरू हुआ है, मैं लिखता भी हूँ। हाँ, तो मेरी एक किताब रिलीज हुई है अब से 2-3 साल पहले, नस्बतें के नाम से, तो उसमें जो गज़लें हैं तो ये मेरा बड़ा, मेरी मुझसे ज़्यादा मेरी बेगम साहिबा की ये का ये वो था, ख्वाब था कि भाई आपकी लिखी हुई गज़लें आप कंपोज़ कीजिए, और साथ आपके साथ उसी एल्बम में आपके साथ हरी भाई, अनूप भाई, पंकज भाई, और पंकज भाई से तो वो कंपोजिशन उनको पसंद भी आ गई थी, और ही वाज़ अबाउट टू रिकॉर्ड, लेकिन इत्तेफाकन वो इस दुनिया में रहे नहीं, तो वो उनकी गज़ल तो बस बहुत बड़ा अभी तक रुकी हुई है, अनूप भाई ने रिकॉर्ड कर दिए। तो वो गज़ल जिस टाइम वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं कुछ कुछ बीच में बोल रहा था, अनूप भाई ज़रा इसको ऐसे कर लीजिए, तो मजाक करते हैं तो मुझे गाने भी दोगे कि नहीं दोगे। किस गज़ल की बात हो रही थी? वो कोई बात नहीं, याद ना आ रही, थोड़ी देर के बाद याद आ जाएगा, रिकॉल आ जाएगा, कोई बात नहीं।
तो इस बातचीत को, मतलब मैं बातचीत को बंद करूंगा जी, कार्यक्रम नहीं बंद होगा। हाँ, मैं बातचीत को थोड़ा सा अब रोकूंगा। हाँ, बातचीत में बहुत सारी चीजें अब छोटी छोटी आती जाएंगी, जैसे मैं धीरे धीरे जिक्र करूंगा कि आप कहाँ कहाँ गए विदेशों में परफॉर्म करने, और कितना समृद्ध जीवन आप संगीत के साथ बिताते रहे हैं जी। उस जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव हैं, जैसे बम्बई में जाके, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में किस्मत आजमाना कहते हैं जी। किस्मत आजमाने के बाद आपने अपना ठौर चुना, अपने किस्म का संगीत, अपने घराने का संगीत को अपना ठौर बनाया, और फिर उसके साथ ही आगे बढ़े, और जो जो भी शोहरत थी, जो जो भी उपलब्धियाँ थीं, और जो जो भी मंच थे, आपको अपने घराने के को फॉलो करने के साथ ही मिलते गए जी। ये बातें तो है ही हैं जी। अब इस बातचीत को मैं खोल रहा हूँ अपने न्यूज़ रूम के लोगों के लिए भी, वो भी कुछ बातें करेंगे, वो भी कुछ पूछेंगे, और उनमें से इस पूरी भीड़ से, इस न्यूज़ रूम के दो हमारे साथियों से इस बात की उम्मीद रखिएगा कि ये लोग अपनी फरमाइशों को लेकर और अपनी जिद को लेकर कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, ये पत्रकार होने के अपने पर्क्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, और बात मैं वहाँ पर लेके चले जाता हूँ, हराह को एक उम्र चाहिए असर होने तक। हाँ, वहाँ पे बात रह गई थी जी, तो प्लीज़ वहाँ से, और फिर बाकी हमारे न्यूज़ रूम के साथियों का स्वागत है जी। डी है ना? ठीक है, तो डी ले कर लेता हूं। सुंदर राग है, प्लीज। तो आह को चाहिए ही सुनाऊं या पूरी धनाश्री सुनाऊं? पूरे धनाश्री से आप आह पे आ जाइए। ठीक है, ये बेहतर है। हमारे घराने की एक बहुत ही खूबसूरत बंदिश आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, पूरी धनाश्री। जी सर, प्लीज। रहना रहनु हे उस्ताद निसार हुसैन खान साहब की बंदिश। सैया मोरा परदेस गैलवा, सैया मोरा परदेस गैलवा, सैया मोरा परदेस गैलवा, सैया मोरा परदेस गैलवा, किन सौतन बिरमाए रहीला, किन सौतन बिरमाए रहीला, सुध बिसरा आए सैया मोरा परदेस
गयलवा सैया मोरा परदेस ए सैया मोरा ए परदेस सैया मोरा परदेस गयलवा सैया मोरा ए पोथी खोलो हे पोथी खोलो बिसारो रे बमना कब आएंगे मोरे सैया मोरा परदेस गयलवा सैया मोरा पाम पद पाम गरी मग पाम धप दम धपम गम धनी सानी धप धम धपम गम पम गम मगर सानी सा सैया मोरा गगर सा रे सानी धानी रे गम गरे सानी रे गम पम गरे मग पम धप दम धपम गम धनी रे गम गरे सानी धपम ग सैया मोरा पर दे सानी धापा मा धापा मा गामा धानी रे गामा गरे सारे सानी धापा धामा धापा मा गामा धानी सा धा सानी धापा धामा धापा मा गामा पा धा धापा धा धामा पा धामा पा मा धा धा सैया मोरा परदेस सैया मोरा सैया मोरा सैया मोरा परदेस गयलवा सैया मोरा परदेस सैया मोरा पर सैया मोरा पर सैया मोरा पर दे बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी में आपकी फरमाइश थी वो पेश कर रहा हूं। हाँ प्लीज। आह को चाहिए आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है कौन जीता है तेरी जुल्फ
के सर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक आह को चाहिए। करोगे लेकिन हमने माना के तगाफुल करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को चाहिए। वाह बहुत 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 सवाल। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि कलाकार बहुत इमोशनल होता है हमने सुना है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी परफॉर्मेंस के बाद कोई आपके पास आया हो रोते हुए आया हो और उसने कहा हो कि आपके परफॉर्मेंस ने मेरा दिल जीत लिया और वो रोया हो खूब रोया हो, ऐसा हुआ है? जी कई बार हुआ ज़िंदगी में और अभी मैं करीबन 3 महीने पहले ही अमेरिका में था तो लास्ट अमेरिकन ट्रिप में भी ऐसा हुआ। मेरी एक फ़ारसी कंपोजिशन है सिद्धांत भाई, मैं फ़ारसी में भी गाता हूँ। अच्छा। और वो कंपोजिशन के बारे में मैं आपके क्या बताऊँ, बड़ी उसके साथ मिरेकल हुए हैं उस कंपोजिशन के साथ, क्योंकि वो मैंने पहले एक फ़ारसी में गज़ल गाई थी अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन जो दुनिया भर में बड़ी मकबूल हुई। और अमूमन ये होता है कि जब जब वो मैं गाता हूँ तो जो भी अफ़गान लोग हैं या जो फ़ारसी समझते हैं वो रोते हैं उस गज़ल पर। अच्छा। अगर इजाज़त हो तो आपको मैं सुनाता हूँ। हाँ हाँ अरे, और बल्कि उससे एक जुड़ा किस्सा और सुनाता हूँ मैं। हाँ हाँ, 2 मिनट 3 मिनट का किस्सा है। मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा था, मेलबर्न जा रहा था, तो जब मैं फ़्लाइट में था तो मेरे बगल में ही एक अंग्रेज़ लेडी बैठी हुई थी, तो ऐसी गुफ्तगू रास्ते में, क्योंकि 8-9 घंटे की फ़्लाइट थी कुआलालंपुर से मेलबर्न की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी शादी किसी अफगान आदमी से हुई थी। अफगान? हाँ। और वो तलाक हो गई उनको, तो जब उनको पता चला कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुझे शुक्रगुजार रहूँगी कि अगर आप मुझे कोई अपनी एल्बम दें। तो मैंने कहा ये मैं एल्बम इस वजह से भी आपको नज़र कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने एक फ़ारसी चीज़ भी गाई हुई है। तो वो उन्होंने बहुत प्यार से रख ली और मेरा ईमेल आईडी ले लिया। तो जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा उसके अगले दिन ही मेरे पास ईमेल आया कि मैंने जाते ही आपकी सीडी सुनी और ये अफगान ये फ़ारसी गज़ल सुनकर मैं 2-3 मरतबा रो चुकी हूँ। तो वो बहुत ही खूबसूरत, और वो उसका मतलब भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन प्लीज, पहले आपको वो कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ। पहला कला Thank you.
मस्त खूब दुनिया, दुनियास्त खूब दुनिया, लेकिन वफा न धारा, दुनियास्त खूब दुनिया, लेकिन वफा न धारा, दारा चू बेवफाई, यकाश ना नदारद, दुनियास्त खूब दुनिया। साथ में मतलब बताते चलिए जी। शायर कहते हैं ये सूफी अशकरी साहब का कलाम है, अफगानिस्तान के बहुत ही मशहूर शायर थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि बहुत ही गुर्बत में रहे वो पूरी ज़िंदगी। तो गज़ल का मतलब है कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है लेकिन यहाँ पर वफा नहीं मिलती और हर तरफ बेवफाई है और ढूंढे से भी एक वफादार इंसान नहीं मिलता। जी, प्लीज। तो ये दारा चुबे वफाई या काश ना नदारा, दुनियास्त खूब दुनिया, हर चीज दर शिकस्तन, आवाज में बरारार, शिकस्तन आवाज में बरारद, आवाज में बरारद, अम्मा शिकस्ते दिल हा, अम्मा शिकस्ते दिल हा, हरगिज सदा न दरद, दरच बेवफाई या काश न दरद, दुनियास्त खूब दुनिया। आखिरी शेर जो है वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ जब टूटती है तो उसमें से आवाज़ आती है लेकिन जब दिल टूटता है तो उसमें से सदा नहीं आती, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये गज़ल है कि जब जब मैं महफिल में गाता हूँ तो कई बार लोग जो हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं। वाह। और ख़ास तौर पर इस गज़ल के लिए मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के एक बहुत बड़े उस्ताद गुलूकार थे उस्ताद यूनुस साहब, उन्होंने ये ख़ास तौर पर मुझे ये गज़ल नज़र की थी। अच्छा। और तब उनके सामने ही मैंने ये कंपोज़ की थी ये गज़ल। वाह जी। गुलाम साहब नमस्ते। जी जी आदाब। एक आपकी सर एक बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, वो हम लोगों ने सब लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर मेरी ये फरमाइश है कि आप उसको सुनाएंगे। मीर तकी मीर खुदाए सुखन हम लोग सब जानते हैं, बहुत बड़े शायर हुए, लेकिन जब उनसे ये जब उन्होंने ये गज़ल लिखी तो लोगों को लगा कि चूँकि इसमें बाग गुल और ऐसी चीज़ें आती हैं तो ज़रूर इन्होंने कुछ कहीं गुलशन के बीच में बैठकर या उसको देखकर लिखा होगा। फिर बाद में पता चला कि वो बस एक कमरे में बंद थे एक महीने और तब उन्होंने ये गज़ल लिखी पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। रचनाकार जो लिख रहा है उसके लिए माहौल और उसका इंस्पिरेशन एक चीज़ होती है, फिर जब आप उसको कंपोज करते हैं उसकी रचना को तो आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी बाहर के होते हैं वो कितने मायने रखते हैं ये बता दें। बहुत बहुत मायने रखते हैं। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि फ़नकार की सोच जो होती है
बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि साइकोलॉजिकल ज़ुबान में आप उसी वक्त एक नॉर्मल शख्सियत नहीं है, एबनॉर्मल हैं अगरचे आप कोई क्रिएटर हैं। तो मैं अपनी ज़ाती बात बताता हूँ कि मुझे बचपन से ही छोटी छोटी सी बात को लेकर सोचते रहना, घंटों उदास रहना और उसमें मज़ा लेना उदासी का, और फिर ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हादसात दरपेश होते हैं, लेकिन वो मैंने उन सब चीज़ों को यूँ पॉजिटिव लिया। और मैं कहता हूँ हर फनकार के लिए वो हादसे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फ़नकार का नाजुक दिल की जो नाजुकी होती है वही क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया को सोचने और समझने की एक अलग सी फीलिंग आपको अता करती है वो चीज़। तो कंपोजिशन, जब हम कोई भी पोइट्री देखते हैं तो पहली बात तो ये, मुझे बल्कि एक और किस्सा इससे जुड़ा हुआ याद आता है कि उस्ताद मेहदी हसन साहब से किसी ने पूछा, एक लड़के ने जाकर, कि ये बताइए कि क्या कभी लड़का पहुंचा और बोलता, हुजूर मैं रियाज तो खूब करता हूँ लेकिन अभी तक गज़ल गाने में वो मेरी तासीर नहीं पैदा हो रही है। तो वो उनका पहला सवाल था मेहदी हसन साहब का, क्या कभी किसी से इश्क किया? तो सच्चाई यही है कि जब हम इश्क करते हैं और दिल टूटता है तो वो सेंसिटिविटी और उजागर होती है, और वो फनकार के लिए दिल टूटना जो है उसके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी वो नाजुक सुर जो होते हैं संगीत में वो कुदरती तौर पर आपके जहन में आते हैं। वो रॉकस्टार मूवी में भी है ना, दिल समोसे की चटनी के पे दिल टूटता है उसका। यही बात है कि वो दिल टूटता है जब, और दुनिया के तजुर्बे अच्छे तलख, यहाँ तक कि मैं अपनी बात बताऊं कि मौसम बदलने की खुशबू से भी मुझको मेरी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मैं जब फ्लाइट में ट्रैवल करना शुरू करता हूँ तो कभी कभी एयरपोर्ट उस पर बैठने से पहले हल्का सा डिप्रेशन होता है, और उस टाइम मैं गुनगुनाना शुरू करता हूँ और कुछ कुछ ऐसी कंपोजिशन बनती है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये इस गज़ल को भी कंपोज करने से पहले, क्योंकि पोइट्री आपको इंस्पायर करती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और हम उसमें वो नाजुक सुर और वो महबूब सुर ढूंढते हैं जो उस शायरी के लिए एप्रोप्रिएट होते हैं, वरना पोइट्री कुछ कह रही है और आपके सुर कुछ और लग रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आ पाता है और वो असर भी नहीं छोड़ पाती है। तो बाहरी सब चीज़ें और आपके अंदर जो हो रहा है वो सब चीज़ें इंस्पायर करती हैं आपकी क्रिएशन को। वाह, तो सर अब बिल्कुल ये सुनाता हूँ, मेरी फेवरेट गज़ल है, बल्कि मेरे वालिद साहब उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब को भी ये कॉम्पोजिशन बहुत पसंद थी। अच्छा, पेश करता हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। चारा गरीबी मारी ये दिल की रस्में
ये शहर हुस्न नहीं, चारा गरीबी मार ये दिल की रस में शहर हुस्न नहीं, रस में शहर हुस्न नहीं। और तो सब कुछ तंजो किनाया, और तो सब कुछ तंजो किनाया, रमजो इशारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते खान साहब, मेरा नाम मनीषा है। सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं ना तो वो भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जो आप गा रहे हैं वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। बहुत सर, मेरा सवाल ये है कि सिद्धांत जी ने हमें ऐसे बोला था कि रिसर्च ग्रुप में पढ़िए, तो आप लोग पढ़ लीजिए सवाल करने से पहले। तो उसके अंदर एक पैराग्राफ है गुरु शिष्य परम्परा, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सर आप गुरु शिष्य परम्परा के बारे में आप उसको मतलब कैसे देखते हैं और कैसे वो आज की दुनिया में आगे जा रही है। बहुत अच्छा। मनीषा के सवाल में एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं। जी। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा में ही बहुत सारे लोग सीखते हैं। जी। अब तो वो एंसेंबल वगैरह खुलने लगे हैं कई जगह। क्या गुरु शिष्य परंपरा के कम होने से भी शास्त्रीय संगीत का जो नुकसान हम देखते हैं, जो बहुत सारे शिष्य नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग सीखने नहीं आते हैं, क्या इस वजह से भी हुआ है? प्लीज। अब देखिए, आपका सवाल बेहद खूबसूरत है और मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ। पहली बात तो ये है, इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक ख्याल है कि अगर आप सोचें तो हमारा संगीत दुनिया में सबसे अनूठा संगीत है। ये मैं बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम दुनिया का मानना है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो मैं जापान में था, 3-4 मरतबा जा चुका हूँ, तो एक बार लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था तो वहाँ पर एक लड़की वायलिन बजाती थी, वो भी आई थी, तो मुझसे एक सवाल पूछती है कि उस्ताद जी ये बताइए, मैं तमाम दुनिया का संगीत सुनती हूँ मैं, लेकिन ये जो ठहराव और जो पीस है वो हिंदुस्तानी संगीत में क्यों इतना ज़्यादा है? तो मेरा जवाब ये था कि हमारी संगीत जो है वो रूहानियत से जुड़ा हुआ है। वो जो एक कहावत है कि मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर, वो गुरु शिष्य परंपरा में बिल्कुल सही तरह से, मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल देखे हैं कि ज़िंदगी में कोई शख्स मुश्किल से 3 या 4 मरतबा सीख के गया है सिर्फ, और वो बाद में फीडबैक देता है कि मेरा नज़रिया बदल गया है, मेरी सोच बदल गई है। तो वो जो रूहानियत का जुड़ाव होता है ना, एक तो वो रूहानियत का जुड़ाव है गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि संगीत, हमारा संगीत जो है वो सिर्फ महज एंटरटेनमेंट का ही जरिया नहीं है, वो हमारी इबादत का भी जरिया है, वो हमारी खुशी का भी जरिया है, वो हमारे गम का भी जरिया है। हमारी फसलें जब कटती हैं तब भी संगीत होता है, तो इस वजह से उसमें रूहानियत ज़्यादा है, पहली बात तो ये, और उसी रूहानियत से जुड़ी हुई गुरु शिष्य परंपरा है। आज जिस मकाम पे हमारा शास्त्रीय संगीत है वो सदियों से गुरु से शिष्य की तरफ जो पास ऑन हुई है, तो वो परंपरा का बहुत बड़ा, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन रहा है, उस ज़माने में लिखत पढ़त होती नहीं थी, बहुत कम साधन थे, और जो शास्त्र लिखे भी गए उस वक्त उसमें भी इतनी डिटेल्स नहीं मिलती थी, कहाँ तक आप लिखेंगे,
क्योंकि मैं ये हमेशा ये मानता हूँ कि एकेडमीज में जाकर आप सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप बतौर शागिर्द आपके या बतौर संगीत का, संगीत के जो आप में तरक्की अगर आपको संगीत में करनी है तो वन टू वन गुरु के कदमों में बैठ के ही होती है वो तपस्या। तो वो परंपरा का बहुत बड़ा हाथ है। और जो ऐसे जो आपका कहना था कि आज शास्त्रीय संगीत में जो थोड़ी बहुत कमी आई है तो क्या गुरु शिष्य परंपरा का टूटना, तो पहली बात तो ये है सिद्धांत भाई कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि शास्त्रीय संगीत में कमी आई है। जिसने रेशो से हमारी आबादी बढ़ी है उस रेशो से देखा जाए तो संगीत के शागिर्द स्टूडेंट्स बढ़े हैं, पहली बात तो। हाँ, सिर्फ ये है जो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें बुलाया और आप शास्त्रीय संगीत के फनकारों को बुलाते हैं। अरे सर, हमारा सौभाग्य है कि आप। क्यों नहीं, मैं यूं कहता हूं कि ये हमारा फर्ज है। जब दूरदर्शन था तो एंटरटेनमेंट का जरिया बहुत ज्यादा नहीं था और दिन में एक सेगमेंट जरूर होता था जिसमें शास्त्रीय संगीत सुना जाता था, शास्त्रीय डांस। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ और बहुत सारे चैनल्स खुल गए तो शास्त्रीय संगीत के लिए जगह नहीं बची। तो मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो अपने अपने मकाम पर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। और गुरु शिष्य परंपरा कायम है, जारी है। जो तहजीब याफ्ता लोग हैं और जो लोग चाहते हैं कि संगीत में कुछ करते हैं, करना चाहते हैं, वो पूरी कोशिश कर लेते हैं। आज YouTube पे हज़ारों चैनल्स खुले हुए हैं कि जो आपको कि ऐसे लगाइए आवाज़, ये कर लीजिए, ये पलटे। अगर ऐसे संगीत आने लगता तो फिर तो करोड़ों होते गवैये या करोड़ों इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते। लेकिन हाँ साहब, एक इसमें इस बात में एक कैच है जो मुझे अभी सूझ रहा है। जैसे आप जब बम्बई गए और आपने जब कंपोज किया जिस गाना, वो सोनू निगम ने गाया, तो आपके दिमाग में चल रहा था ना कि यार टूल्स आएंगे, टेक्निक आएगी, तो म्यूज़िक चेंज होगा जी। तो जब यूट्यूब पे और या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कोई संगीत सिखा रहा है तो म्यूज़िक की टीचिंग भी चेंज हुई, ठीक है, उससे गुरु शिष्य परंपरा का हास हो रहा है। सामने बैठा के हिदायती तरीके से सुर के रेशे को पकड़ने की जो कला है वो नहीं आ रही है, मानता हूँ कई सारी कमियाँ हैं, ठीक है। लेकिन कहा जाता है ना, अंधों में काना राजा। हाँ। तो YouTube पे कोई सिखा रहा है, ऑनलाइन क्लास में कोई सिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ उम्मीद तो बची हुई है ना। चलो कैसे भी कोई सीख रहा है तो कोई तो सीख रहा। हाँ। है देखिए, उनका इतना कंट्रीब्यूशन मैं ज़रूर मानूंगा कि मतलब दुनिया नाउम्मीद तो नहीं हो रही। नाउम्मीद नहीं है, ये बात है। लेकिन जो लोग सिखा रहे हैं वो तो अपना जो भी उनका प्रोफेशन कहिए, उनका शौक कहिए, या सोसाइटी में वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन नुकसान जो है वो उन सीरियस स्टूडेंट्स का है जो अगर वाकई संगीत में कुछ करना चाहते हैं तो वो YouTube के ज़रिए या ऑनलाइन, जो ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में 99% एक्यूरेसी है क्योंकि उस्ताद आपको सुन रहा है उस टाइम, ऑन द स्पॉट आपको करेक्ट कर रहा है सुर को। लेकिन जो YouTube के वीडियोस देख के अगर आप सीखना चाहें या किसी भी प्लेटफॉर्म के वीडियोस देख के अगर आप सीखना चाहें तो आप उल्टा बल्कि अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि मेरे सामने कई उदाहरण आए कि आवाज़ अच्छी है लेकिन गलत सलत पलटे सीख सीख के, क्योंकि आपको कोई चेक करने तो नहीं बैठा है ना कि आपका सुर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपने वीडियो देखा और आपको आपने वीडियो देखा और आपने शुरू कर दिया, लेकिन ये तो सुर का काम है ना। आपको सामने कौन बैठा है जो आपको चेक करेगा कि सुर लगा कि नहीं लगा। अग्री हुजूर, साल लगाते ही लगाते छः छः आठ आठ महीने एक एक साल बीत जाता है। हमें वालिद साहब ये कहते थे कि बेटा आधे घंटे से पहले बंद ना करना, सिर्फ सा ही लगाना। और आज तक सा लगाने से मैं ही सबसे पहले, आज भी हमें ये चैलेंज होता है कि खुदा सा लगा दे पहले। क्योंकि सा अगर लग जाएगा तो फिर बाकी सुर लगने लगेंगे, आधार मजबूत हो जाएगा। आधार मजबूत होना चाहिए जी। कोई और सवाल? ठीक है, प्रणाम उस्ताद जी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है जो आपने अभी बात करी कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं आजकल, संगीत हो चाहे नृत्य हो, तो
अब जैसे कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम शो होता है, उसमें बनारस घराने के फनकार आए थे, बड़े कलाकार, पंडित साजन मिश्रा जी, तो उन्होंने बताया था कि हम एक सुर भी लगाते हो, सुर के अंदर भी एक साधना होती है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन में सीखने का लोगों का, तो वो एक ऐसा हो चुका है कि बस सीखा, चले गए और हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी भी जो पंडित राममोहन महाराज जी जो कथक गुरु हैं, वो हमें कहा करते थे कि वो 8-8 घंटे अपने ज़माने में रियाज करते थे, 8-8, 10-10 घंटे घुंघरू बांधते थे सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे खोल रहे, वो टाइम था और एक आज का टाइम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आजकल का जो ट्रेंड है आप उसको किस तरह से देखते हैं, कि जो साधना नृत्य और संगीत में है, जो रियाज में है, वो जो तैयारी होनी चाहिए वो ऑनलाइन या इन सब के थ्रू नहीं मिल पाती है सब चीज़ें। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। ऑनलाइन के ज़रिए मेरा ये मानना है कि हम 70-80% तक अचीव कर सकते हैं उस क्लास में, बल्कि मैं तो कहता हूँ 99% तक अचीव कर सकते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ एक ही तकलीफ़ आती है, वो ये होता है कि जब तबला बजता है तो अगर वहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि इस ताल से इस बीट से पकड़ो, तो वो जब तक मेरे पास पहुँचे की आवाज़ तो लेटेंसी की वजह से वो निकल जाती है ताल, तो स्टूडेंट को वहाँ पर ही तकलीफ़ आती है। तो उसके लिए भी साधन है कि आप उंगलियों पर गिनकर और ताल हाथ से लगाने के पर उनको बैठ जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये उन लोगों के लिए ही सीमित है ऑनलाइन, जो संगीत को सिर्फ एक हॉबी और एक शौक बतौर रखना चाहते हैं। लेकिन अगरचे आपको संगीत में वाकई कुछ करना है और आपको संगीत में ही अपनी ज़िंदगी बनानी है और आगे जाके उस मकाम पर, आपको अपना मकाम ख़ुद तय करना पड़ेगा कि मैं इसको बतौर शौक ले रहा हूँ या आगे जाके इसमें तपस्या करके मुझे उस मकाम पे पहुँचना है, तब तो रूबरू और गुरु के चरणों में बैठकर ही आपको तालीम लेनी पड़ेगी, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया कि हफ्ते में एक बार सीखेंगे, 2 मरतबा सीखेंगे, क्योंकि मसरूफ़ ज़िंदगी है, नहीं होता, उतनी तरक्की नहीं होती जो आप उस मकाम पे पहुंचेंगे। अच्छा उस्ताद जी, कोई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जैसे अभी होता है ना, मतलब मैंने कुछ एक लोगों से सुने इस तरह के किस्से, इसलिए मुझे लगा कि पूछा जाए आपसे। ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि सर हमारा अगले महीने परफॉर्मेंस है, एक महीने के लिए कुछ सिखा दीजिए या क्रैश कोर्स करवा दीजिए, ऐसे तरह के लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैं नहीं सिखाता हूँ। और आप यकीन कीजिए किस किस तरह के बहाने लेकर आते हैं ये बताइए। अरे हुजूर कैसे कैसे, एक दिन तो एक साहब आए और बोले मेरे दोस्त हैं, मतलब बड़ी दोस्ती वाली है, 3-4 महीने से गाना सीखते सीखते वो एक दिन मेरे साथ एक सितार नवाज बैठे हुए थे, बड़े अच्छे जाने माने फनकार। तो मैं उनको जब पता चला कि बड़े अच्छा सितार बजाते हैं, तो बोले यार एक दिन तुमसे सितार भी सीखेंगे। मैंने सोचने पे मैंने कहा क्या फरमाया आपने, एक दिन आप इनसे सितार भी सीखेंगे एक दिन? तो बात यही है कि ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं कि जी बस हमारा बच्चा इंडियन आइडल में चला जाए। अच्छा ऐसे आते हैं? तो वो बस क्या बताएं, ऐसे ऐसे किस्से होते हैं कि भाई गुरुजी मुझे सारे गामा नहीं सीखना है, मुझे तो गाना सीखना है। तो सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन फिर हम उसको उसी नज़रिए से ट्रीट भी करते हैं कि भाई जो ये देखिए मेरा ये मेरा, मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिखाना मेरा शौक़ है, और अगर मेरा स्टूडेंट सीरियस है तो जितनी उसको फिक्र होगी कि वो कब तक अच्छा फ़नकार बन जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती है कि मेरे शागिर्द को मैं जो सिखा रहा हूँ वो रिज़ल्ट कब देगा। क्योंकि वो एक पौधा, एक बीज को पौधा बनते हुए फिर पेड़ बनते हुए जो खुशी होती है, तो हम उन्हीं को सिखाते हैं जो सीरियस हैं और जो आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं। बस ये बात। ठीक है खान साहब, इस बातचीत को ख़त्म करते हैं, और बातचीत की शुरुआत आपने की थी तो ख़त्म भी आप ही करें, हम चाहते हैं अपने तरीक़ों से ख़त्म करें जी। जो भी गज़ल आपको पसंद हो जी वो सुनाएं, जो भी आप। एक बात मैं सिद्धांत भाई कहना चाहूँगा, गज़ल तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन आपकी दुआ से मैंने कुछ एक दो नए राग, कुछ 5-6 नए राग ईजाद किए हैं। हाँ बताइए उनके बारे में कुछ। तो वो मैं उस बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। प्लीज़ बताएं। कि बचपन से शौक था थोड़ा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ। हाँ, और संगीत घरानों में और उस्तादों ने अपने अपने राग बनाए हैं लंबे समय, क्योंकि
परंपरा रही देश बिल्कुल में। एक तो परंपरा भी रही, दूसरी बात यह है कि जब हमें कुछ समझ में आने लगा तो चीज़ें बड़ी अनहोनी लगती थी कि अरे बंदिश कैसे बनाई होगी, क्या मैं कभी बना पाऊंगा जब मैं 17-18 साल का, या कोई ऐसा राग बचा भी है कि जिसको बनाया जा सके, जिसको बनाया। फिर जब मैं मैच्योर हो गया, 50 साल से ऊपर हो गया, तब मैंने दिल में ये तहिया किया कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, खुदा ने अगर कुछ दे दिया तो उसकी मेहरबानी, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 5 राग रिलीज़ हो चुके हैं मेरे अपने नए। एक राग का नाम है मोहिनी भैरव, एक का नाम है रसेश्वरी, एक का नाम है मोह भ्याग, एक मांडवी टोड़ी और एक वियोगनी। तो ये 5 राग हैं, और बाकायदा रिसर्च करके उसको एस्टेब्लिश किया, क्योंकि राग, अच्छा एक बात और है कि राग बना दिए, अब संगीत के जो क्रिटिक्स बैठे हैं क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे, या कभी वो मकाम आएगा कि आपके राग को दूसरा रिकग्नाइज करके कभी परफॉर्म करें। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे बनाए हुए राग बाकायदा परफॉर्म भी लोग कर रहे हैं। वाह, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी ने बजाया, और मोहिनी भैरव, अच्छा हाँ, और रसेश्वरी राग हमारे घराने के एक बहुत ही अच्छे फनकार हैं, पंडित हेमंत गंधर्व साहब, गुजरात में रहते हैं, सूरत में, उन्होंने राग रसेश्वरी परफॉर्म किया और उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी, और उन्होंने कंसर्ट्स में गाना शुरू कर दिया ये राग। तो ये बात मैं बताना चाहता था, और ये मैं ये सोचता हूँ कि इंसान के बस की बात नहीं है। मेरा ये मानना है सिद्धांत भाई कि हम महज एक रिसीवर हैं, वो ऊपर से सिग्नल आता है, बस खुदा हमें ये तौफीक दे कि हमारे जहन में वो सिग्नल कैप्चर करने की तौफीक अता कर दे। तो अगर सिग्नल कैप्चर कर दिया तो वो वरना इंसान के बस की बात नहीं है। और मेरा ये पूरा अटूट विश्वास है कि हमारा संगीत जो है वो सिर्फ सोच का नहीं है, ये इसका ताल्लुक दिल और रूह से भी है। कोई भी संगीत हो वैसे रूह से ताल्लुक होता है, क्योंकि वो क्रिएशन के लिए बहुत खुदा की करीमी होनी चाहिए। तो मैं आपको बंदिश सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सर। जी अच्छा, बी राग मोहिनी भैरव। जी रन ना ए र नु रे ए र र देखिए आरो अवरो देखिए इसकी। सारे गामा पानी साने पा मा पा गामा रे ने पानी सारे गारे नि सारे सा धा दिन दिन दा दा दिन दिन। देवत वर्जित है इसमें। जी देवत वर्जित है। रे कोमल और नी कोमल, और भैरव का जो एक खास अंग है गामर सा, इस वजह से इसका नाम राग मोहिनी भैरव। मैना भार आए जो
सपने से जागी, नैना भर आए जो सपने से जागी, तड़पूं मैं बिरहा की मारी, तड़पूं मैं बिरहा की मारी, सजन मोसे रूठ गए मोरी गुइया, नैना भर आए जो सपने से जागी, नैना भर आए जो सपने से जागी, नैना सपने से जागी, नैना भर आए, गगा रे सा रे सा नी पा मा पानी सा रे गा सा रे गा सा रे सा गा रे गा रे गा मा पा गा मा मा गा मा पा मा गा मा गा रे सा, नैना भर नी नी पा मा पानी सा रे सा नी पा मा गा मा पानी सा पा सा नी मा सा नी गा सा नी ता तानी पा मा गा मा पानी पा मा गा रे सा नी सा, नैना भर भर आए जो सपने से जागी, नैना भर सपने से जागी, नैना भर नैना नैना भर आए जो सपने से जागी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत बंद करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे गुलाम अब्बास खान साहब हमारे साथ न्यूज़ रूम में बैठकी में हमसे बातचीत करते हुए, गाने सुनाते हुए, और जितना भरसक हो सकता है हमारी ज़िद का और हमारी फरमाइशों का ख्याल रखते हुए। सर, हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप आए हमारे न्यूज़ रूम में, हमें सराबोर किया, अभिसिंचित किया आपने संगीत से। आपने हम चाहते हैं आपको खूब यश मिले, खूब ख्याति मिले और खूब सम्मान मिले, और मान आपके लिए भी ऐसी ही शुभकामनाएँ हैं। मैं हूँ सिद्धांत, मैं इस एपिसोड का एंकर कर रहा था। इस कैमरे के पीछे हैं आलिश, राशिद और मेरे साथी, क्या नाम है दोस्त का? मयंक का। मयंक नए हैं इसलिए मयंक का नाम मैं भूल जाता हूं। और न्यूज़ रूम के बहुत सारे साथी जो इस पूरे बातचीत में शरीक हो रहे थे, और इस वीडियो को तमाम कॉपीराइट स्ट्राइक्स, कॉपीराइट्स क्लेम और फेयर यूजेस पॉलिसी के तहत के उसके पूरे चौंचले को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करवाने वाले और रिसर्च करने वाले हमारे साथी दीपेंद्र और आप ललन टॉप देख रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।